जय नारायण। शंखासुर नामक राक्षस की कथा है। शंखासुर ने तीनों लोकों में बहुत ही उत्पात मचाया हुआ था। तब सभी देवताओं के आग्रह करने पर भगवान विष्णु ने उस राक्षस से युद्ध किया और यह युद्ध कई वर्षों तक चला। युद्ध में वह असुर मारा गया और इसके बाद भगवान विष्णु विश्राम करने चले गए। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन भगवान विष्णु की निद्रा टूटी थी और सभी देवताओं ने भगवान विष्णु की पूजा की थी। शिव पुराण के अनुसार पौराणिक समय में दैत्यों का राजा दंभ हुआ करता था। वह बहुत बड़ा विष्णु भक्त था। कई सालों तक उसके यहाँ संतान नहीं होने के कारण उसने शुक्राचार्य को अपना गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया। यह मंत्र प्राप्त करके उसने पुष्कर सरोवर में घोर तपस्या की। भगवान विष्णु उसकी तपस्या से प्रसन्न हुए और उसे संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। भगवान विष्णु के वरदान से राजा दंभ के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया। इस पुत्र का नाम शंखचूर्ण रखा गया। बड़ा होकर शंखचूर्ण ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए पुष्कर में घोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। तब शंखचूर्ण ने वरदान मांगा कि वह हमेशा अजर अमर रहे, वह कोई भी देवता उसे नहीं मार सके। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दे दिया और कहा कि वह बदरी बन जाकर धर्म ध्वज की पुत्री तुलसी को तपस्या कर रही है, उससे विवाह कर ले। शंखचूर्ण ने वैसा ही किया और तुलसी के साथ विवाह के बाद सुखपूर्वक रहने लगा। उसके अपने बल से देवताओं, असुरों, दानों, राक्षसों, गंधर्व, नागों, किन्नरों, मनुष्यों तथा त्रिलोकी के सभी प्राणियों पर विजय प्राप्त कर ली। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। शंखचूर्ण के अत्याचारों से सभी देवता परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी ने उसे भगवान विष्णु के पास भेज दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि शंखचूर्ण की मृत्यु भगवान शिव के त्रिशूल से ही होगी, अतः आप उसके पास जाकर भगवान शिव के चित्ररथ नामक गण को अपना दूत बनाकर शंखचूर्ण के पास भेजा। चित्ररथ ने शंखचूर्ण को समझाया कि वह देवताओं को उनका राज्य लौटा दे, परंतु शंखचूर्ण ने मना कर दिया और कहा कि वह महेश्वर से युद्ध करना चाहता है। भगवान शिव को यह बात पता चली तो वे युद्ध के लिए अपनी सेना लेकर निकल पड़े। इस तरह देवता और दानवों में घमासान युद्ध हुआ, परंतु ब्रह्मा जी के वरदान के कारण शंखचूर्ण को देवता नहीं हरा पाए। भगवान शिव ने शंखचूर्ण का वध करने के लिए जैसे ही अपना त्रिशूल उठाया, तभी आकाशवाणी हुई कि जब तक शंखचूर्ण के हाथ में श्री हरि का कवच है और उसकी पत्नी का सतीत्व अखंडित है, तब तक इसका वध असंभव है। आकाशवाणी सुनकर भगवान विष्णु वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर शंखचूर्ण के पास गए और उससे श्रीहरि कवच दान में मांग लिया। शंखचूर्ण ने वह कवच बिना किसी संकोच के दान कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु शंखचूर्ण का रूप बनाकर तुलसी के पास गए। शंखचूर्ण रूपी भगवान विष्णु ने तुलसी के महल के द्वार पर जाकर अपनी विजय होने की सूचना दी। यह सुन तुलसी बहुत प्रसन्न हुई और पति के रूप में आए भगवान का पूजन किया और रमन किया। ऐसा करने से तुलसी का सतीत्व खंडित हो गया और भगवान शिव ने युद्ध में अपने त्रिशूल से शंखचूर्ण का वध कर दिया। तब तुलसी को पता चला कि उसके पति नहीं है बल्कि वे तो भगवान विष्णु है। क्रोध में आकर तुलसी ने कहा कि आपने छल पूर्वक मेरा धर्म भ्रष्ट किया है और मेरे पति को मार डाला है, अतः मैं आपको साफ देती हूँ कि आप पाषाण होकर धरती पर पड़े रहें। तब भगवान विष्णु ने कहा, देवी तुम मेरे लिए भारतवर्ष में रहकर बहुत दिनों तक तपस्या कर चुकी हो, तुम्हारा यह शरीर नदी के रूप में बदलकर गंडकी नामक नदी के रूप में प्रसिद्ध होगा। तुम पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष बन जाओगी और सदा मेरे साथ रहोगी। तुम्हारे श्राप को सत्य करने के लिए मैं पाषाण शालिग्राम बनकर रहूंगा, गंडकी नदी के तट पर मेरा वास होगा। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह संपन्न कर मांगलिक कार्यों का प्रारंभ किया जाता है।
हिंदू धर्म मान्यता के अनुसार इस दिन तुलसी शालिग्राम विवाह के अपार पुण्य प्राप्त होता है।